और चाहे डीजल पेट्रोल 500 रुपए किलो खरीदना पड़ जाए, लीटर 500 रुपए पड़ जाएगा तब 500 रुपए में लेना हो ना तो ले लेंगे, लेकिन प्यार मोदी को अरे काम कर रहे हैं। लेकिन एक संस्था है अमेरिका की मॉर्निंग कंसर्न नाम से, उसमें सिर्फ 500 आदमी है, वो 500 आदमी डाटा निकालते हैं और वो कहते हैं मोदी का डंका बज रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, फलाना हो गया, धमाका हो गया, तो वो मान लेते हैं। वो CDS का डाटा आता है उसमें 5 लाख लोग शामिल है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उसको कहते हैं गड़बड़ है। 18% पहले 2 नंबर काम होता था, 1 नंबर हो रहा, दिक्कत पहले कितना था, पहले कितना था, कुछ भी नहीं था पहले तो, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता, टैक्स नहीं लगता था, एजुकेशन में वर्ल्ड में पहला देश बना इंडिया, टैक्स लगा दीजिए जीएसटी, बात करते हो आप बेकार की। और ये देखो आई लोग रिपोर्ट देखो, 28 मार्च को भारत के अंदर 83% युवा बेरोजगार है, बताइए ये मेरी रिपोर्ट है, ये आई लोग की रिपोर्ट है, बात कर रहे हैं। इनकी जो 400 पार सीट आएंगी, देखिए कैसे आएंगी 400 पार। कंगना रावत को टिकट दिया है, वो कह रही है देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, नहीं सनी राहत आप तो नहीं, ये नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है, खुद सुभाष चंद्र बोस के पोते ने आके कहा कि आप इतिहास को क्यों बदल रही है, आपको कुछ नहीं पता। दूसरा रवि किशन जी जो गोरखपुर के हैं, उन्होंने क्या कहा, उनसे बेरोजगारी के ऊपर सवाल पूछा, उन्होंने कहा बच्चे कोई मोदी जी ने योगी जी ने पैदा थोड़ी किए हैं, जो बेरोजगारी के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं कि योगी जी ने और मोदी ने बच्चे नहीं पैदा किए, तो उनका क्या इसमें कसूर है, बेरोजगार है क्या, आप बच्चे पैदा मत करिए। अब मैं उनसे खुद पूछना चाहता हूँ, अगर बच्चे पैदा नहीं होते वो खुद कैसे पैदा हो गए, बताइए। देखिए जिन्होंने नाम लिए, यही कांग्रेस थी, नई दिल्ली से राजेश खन्ना को टिकट देती थी और कभी पाए नहीं। अरे अभी की सरकार का क्या, बार बार पत्रकार बहना जब ये बात कर रहे हैं अभिनेत्रों की, जो बात कर रहे हैं रवि किशन जी, ये बोले मोदी जी ने योगी जी ने उन बच्चों को, गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाने काम किया, मदरसों में कंप्यूटर युग दिया है, जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, 50 सालों में मदरसों का मदरसा रखा, वहां पर उर्दू के साथ साथ कंप्यूटर युग ना दे पाई, योजना तो बनाई डिब्बे में गोल रखी, इसी दिल्ली में इसी देंगे वो युग देंगे। बात सुनिए यार, इन भक्तों से पूछ लू मैं, कौन ले गया था कंप्यूटर, कितना हुआ था, क्या था, राजीव गांधी लेके आए थे, बात कर रहे हो आप, इनका पता नहीं, नॉलेज मिलते नहीं, 1% बात कर रहे हो, बता कर क्या बोले, क्या रे कंप्यूटर तो राजीव गांधी के समय युग लेके आए इंप्लीमेंट का, वोट बैंक की खातिर इतने बेरोजगार हो जाएंगे, वापिस ले लिया, कितने कंप्यूटर युग, भाजपा वोट बैंक के लिए काम, भाजपा सबके साथ, जो वोट बैंक देखते नोटबंदी ना करते, नोट बैंक देखते GST नहीं लेकर आते, लागू करी ना यार, यही कांग्रेस का फायदा हुआ। बात सुनिए, ये कह रहे हैं मुद्दों की बात अभी जो है मेरठ से एक सांसद को टिकट दिया है अरुण जी को, उनसे पूछा मीडिया वालों ने कि आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया मुद्दों को बाद में देखेंगे, पहले चुनाव जीत लो, समझ रहे हैं ना आप, तो इनका ये हाल इनका है। और अभी टिकट दिया इन्होंने पवन सिंह को बंगाल से, जिन्होंने ये कहा था बंगाल की लड़कियां मालवा, समझ रहे हैं आप, और अभी एक गोरखपुर के सांसद हैं उनको टिकट दिया है, उन्होंने क्या कहा था कि लड़कियों का जो है लहंगा रिमोट से उठाओ, तो आप बताइए ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं जीतेंगे आप, इन मुद्दों पर आएगी सरकार, वो सरकार इन मुद्दों पर आएगी, विपक्ष नचनीय शब्द, आप दरभाषा बोलना विपक्ष का काम है, इस जनता का अपमान करना आप विपक्ष का दया बन चुका है, और जनता मत के दोबारा बाहर का रास्ता जनता ने दिखाया, 2000 दिखाई बाहर का रास्ता बीजेपी दिखाई, और जन के कल्याण के काम भाजपा कर रही है, जनता सब पड़ी है, जनता सब पड़ी है, जनता ही इनको सबक सिखाएगी, जनता के साथ ही बुरा हुआ है तो जनता इसका रिजल्ट करके दिखाएगी, समझ रहे हैं आप, क्योंकि जनता के साथ बुरा हुआ है तो जनता ही बुरा करेगी, जनता के साथ ही महंगाई कह रहे देश में बढ़ गई है, क्या महंगाई कहा जा रहा है कि देश में बढ़ गई है, लग रहा है ये महंगाई कम करने की, 50 सालों तक महंगाई कम नहीं कर पाए, 9 रुपए डीजल होता था 1997 में, इनकी सरकार थी 23 रुपए 35 रुपए डीजल करने वाले यही थे, सोना गिरवी रखने वाले मोदी जी, तो वादा किए शास्त्री मनमोहन सिंह जी थे, आगे बढ़ाने का काम मनमोहन सिंह ने किया, अब पर उनकी टांग खा दी, तो वादा किए थे ना बहुत हुई महंगाई की, तो महंगाई कहाँ बढ़ी है, 2014 में पेट्रोल कितने का था, आज 40 रुपए, 10 साल में 40 रुपए बढ़ा है, महंगाई ये कह रहे हैं महंगाई इन्होंने कम नहीं करी है, महंगाई जो है इन्होंने वाके कम की है, कि पहले जो है डीजल जो है वो 60 रुपए था, 100 रुपए है, जो सरसों का तेल वो 70 रुपए था, आज 140 रुपए है महंगाई, अब इन्होंने आके कम कर दी है महंगाई। हाँ दो आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, 2014 वाला सैलरी लेंगे आप, 2014 वाला सैलरी लेंगे आप, 2014 का सैलरी लेंगे आप, सुनिए जो सैलरी से कुछ नहीं होता, पहला बात सुनिए,
पहले बात सुनिए, देखिए आदमी की जो है पर देख पहले बात सुनिए देखिए आदमी की 2014 से और 2024 के बीच में आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप पर कैपिटा इनकम जो है और परचेजिंग पावर आदमी घटी है, समझे ना? अरे घटी है यार, आप देख तो लीजिए पहले, आप रिकॉर्ड देखते नहीं है? जो पहले लोग गाड़ी खरीद सकते थे, जो लोग वो आज गाड़ी नहीं खरीद सकते, उनके इनकम ये हो चुकी है, समझ रहे हैं आप? पर कैपिटल और सेविंग पावर आदमी घटी है, समझ रहे हैं आप? इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, कह रही है कि बचत नहीं कर पा रहे हैं। डाटा गलत है इनका, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा है इनका। आपको महंगाई नहीं मैम? कुछ भी नहीं महंगा, सिलेंडर के दाम आज आपको क्या, आपको अगर फैसिलिटी अच्छी चाहिए तो ट्रेन का भाड़ा बढ़ेगा, फ्लाइट का भाड़ा बढ़ेगा, सब कुछ होएगा। क्यों नहीं फ्यूल का फ्यूल बढ़ेगा? फ्यूल इनको डाटा वही अच्छा लगता है जो इनके हक में डाटा होता है, जो इनके फेवर में डाटा नहीं होगा वो डाटा बुरा लगेगा। एक संस्था है अमरीका की मॉर्निंग कंसर्न नाम से, उसमें सिर्फ 500 आदमी है, वो 500 आदमी डाटा निकालते हैं और वो कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, फलाना हो गया, दिमाग हो गया, तो वो मान लेते हैं। वो CDS का डाटा आता है, उसमें 500,000 लोग शामिल है, वो इनको अच्छा नहीं लगता है, उसको कहते हैं ये गड़बड़ है। देंगे उनको ही वोट और लेके भी आएंगे, ठीक है, चाहे डीजल पेट्रोल 500 रुपए किलो खरीदना पड़ जाए, लीटर 500 रुपए बढ़ जाएगा तब भी 500 रुपए में लेना हो ना तो ले लेंगे, लेकिन प्यार मोदी को, अरे काम कर रहे हैं लेके आएंगे काम, बिल्कुल कितनी बार गिनवाओ, बहुत काम कर दिए हैं। लोग कहते हैं धर्म जात के लिए कर देते हैं, अरे हमारा GDP 3-4-5 हो रखी है, लोगों को उज्ज्वला योजना मिल गया है, लोग सड़कें अच्छी बन गई है, हैं लोगों को शौचालय मिल गया है वहाँ पे, हैं कर्जा इतना बढ़ गया, 80 करोड़ लोगों को क्या कहते हैं राशन मिल रहा है फ्री में, पहले तो नहीं मिलता था, राशन मिल रहा है विकास तो अच्छी बात है ना, कम से 5 रुपए में पत्रकार है, इतने पत्रकार है, राशन मिल रहा है मुफ्त, बड़ा विकास। देखिए राशन मिलना यही तो दर्शाता है कि 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन मिला, 80 करोड़ जनता राशन पर निर्भर, तो देश की हालत का उससे पता लगा सकते हैं देश की स्थिति क्या है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर खुद बेग, आप जो है राशन मत दीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, आप नौकरी दीजिए, आप देश को सशक्त बनाइए आप, तो उस बात से सही होगा मामला, ऐसे नहीं होगा आप राशन दीजिए फ्री में, राशन से कुछ ना, भीख से कुछ नहीं होने वाला है। फड़फड़ा रहा है भाई हमारा, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा कौन सा नहीं पढ़ रहा है इस समय बताइए, कौन सा बच्चा बेरोजगार है, कह रहे कौन बच्चा ऐसा पता नहीं लगता। आप जो है आप डाटा देखिए, आप यूपी में डाटा देखिए, अभी मेरठ में क्या हुआ है, मेरठ में एक स्कूल में ना 1.5 साल से शिक्षक ले रहे हैं तनखा, और बच्चा एक भी नहीं है उसमें, कहाँ है बच्चे बताइए आप, तो फिर वहाँ के कॉन्टेक्ट करो ना, फिर क्यों नहीं करते हो? कौन बोल रहे हैं ये, कहाँ का बोल रहे हैं, कहाँ मेरठ में डाल मेरठ मेरठ की बात, कुछ भी नहीं है ऐसा मैम, कुछ भी बोल देने से नहीं होता है, कुछ भी बोल देने से ऐसा नहीं हो जाता है। कह रहे शिक्षा पे इतना GST लगा दिया तो गरीब आदमी कैसे पढ़वाएगा? कोई मैडम पहले और सारे टैक्सेस लगते थे, GST क्यों नहीं लगेगा? 18% GST पहले 2 नंबर काम होता था, शिक्षा 1 नंबर हो रहा, दिक्कत पहले कितना था, पहले कितना था, कुछ भी नहीं था पहले तो, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता, टैक्स नहीं लगता था, एजुकेशन में पढ़ने में पहला देता था, इंडिया टैक्स लगा दी GST। बात करते हो आप विकास की, और ये देखो हाई लोग, ये हाई लोग रिपोर्ट देखो, 28 मार्च को भारत के अंदर 83% युवा बेरोजगार है, बताइए ये मेरी रिपोर्ट है, ये आई लोग की रिपोर्ट है, बात कर दो यार देश की विकास की, विकास कर दिया देश का, बात कर दो, ऐसा डाटा नहीं है, क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करता आप, पूछे इससे जरा, लोन लेने का तुम्हें अधिकार है, लोन लेके अपना काम शुरू करो, स्टार्टअप हो रखी है, 108 बिलियन का, सुनिए 108 बिलियन का, 108 बिलियन डॉलर का स्टार्टअप शुरू हुआ है, 56 कंपनियां काम कर रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा।